सूरत शहर के भेस्तान विस्तार में स्थित रामदेव बेकरी के नजदीक दो युवकों पर कुछ लोगों ने तलवार एवं चाकू से वार किए। घटना के बाद युवक को 108 की मदद से तत्काल इलाज के लिए सिविल अस्पताल में ले जाया गया। मिली हुई जानकारी के मुताबिक भेस्तान क्षेत्र के निवासी आमिर आरिफ शेख के भाई ने बताया कि ऊन पाटिया स्वप्न कुंज सोसाइटी में रहते हैं और बड़ा भाई आमिर कुरियर बॉय के रूप में अमेजोन कंपनी में काम करता है। सोसाइटी के बाहर एक बाइक पार्किंग को लेकर वाहन मालिक से विवाद हो गया था, जिसे लेकर हाथापाई हुई, लेकिन कुछ लोगों ने बीच बचाव कर झगड़े को शांत किया। उसके बाद अचानक ही हमलावर 20 से 25 लोगों का हुजूम लेकर आया और आमिर शेख और चांद शेख पर तलवार और चाकू से हमला कर दिया और वहां से फरार हो गया। घटना के संदर्भ में पांडेसरा पुलिस को सूचित किया गया। थोड़ी देर में पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और हमले में घायल लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया और आगे की जांच पांडेसरा पुलिस ने शुरू की है। जी, सपना कुंज अपार्टमेंट भेस्तान में रहता हूँ। मेरे साथ एक बनाव बना है जी सर। उसमें ऐसा है कि हमारे नीचे अभी एक जन रहने आए हैं जिनका नाम मेराज है जी। उनकी पार्किंग में गाड़ी किसी ने आड़ी करी, पता नहीं किसने आड़ी करी जी। वो सबको गाली गलौज देने लग गए। गाली गलौज देने के बाद सब उल्टा सीधा बोलने लग गए। तो हमने बोला भाई लेडीज लोग हैं यहाँ पे, आप ऐसा सब मत बोलो। तो बोले नहीं, तू मुझे जानता नहीं है, तू मुझे पहचानता नहीं है। तो बोले बोला भाई तुम कोई भी हो पर ऐसा तुम मत बोलो, जिसने तुम्हारी गाड़ी आड़ी की है तुम उसको साथ में बोलो, उसको देखो सीसीटीवी फुटेज लगी है आप चेक करो, उसके बाद आप बोलो। तो बोले तुम मत बोलो ज़्यादा, उसमें मेरे भाई बाजू वाली बिल्डिंग में ही रहते हैं। वो भाई भी आए हम लोग के साथ में, थोड़ी बातचीत के साथ में आता भाई थोड़े धक्का दुक्की हुए हैं। उसके बाद सर उन्होंने बोला है कि मैं तुम लोग का आज बताता हूँ मैं कौन हूँ क्या हूँ आज जाके। बोले फिर उन्होंने सर एक घंटे बाद 20-25-30 छोकरे ला के हम दोनों पे तलवार चाकू सब चीज़ का इस्तेमाल किया सर, ग्लोव प्लेट और सब सब बेल्ट वेल्ट सब। अच्छा, इसके बारे में जो घटना आपके साथ हुई है उसकी FIR की है आपने? हाँ सर, FIR की है पांडेसरा विस्तार में GIDC के अंदर जी। सर मैं चार दिन उसी दिन से आज 108 की सार्वर में हम दोनों भाई यहाँ पे सिविल आए थे सर जी। उसके बाद से मैं अभी तक यहाँ ही हूँ। मुझे अभी भी सर ऐसा लगता है कि मैं चलता हूँ तो गिर जाऊँगा। अच्छा, मैं अभी भी नहीं हूँ और सिविल वाले ऐसा बोल रहे हैं आप अच्छे हो गए डिस्चार्ज ले लो। अच्छा, आपने डिस्चार्ज के लिए बोला था सामने से कि डॉक्टरों ने खुद दिया उनकी मर्जी सर? लोगों ने खुद दिया, उनकी मर्जी से आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं जी। डॉक्टर का कुछ नाम पता है आपको? सर मैं एच वर्ल्ड जेल्स वर्ल्ड में बैठा हूँ अभी जी, सिविल के बाहर खड़ा हूँ जी। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोग जबरदस्ती करके मुझे बाहर ले जा रहे हैं जी। मतलब आपको कुछ ऐसे इसके अंदर षड्यंत्र नजर आ रहा है कि हो गए ना 110-120 टाके सर, और अभी भी जो आपके सामने बैठा हूँ वही पोजीशन है। आपकी हेल्थ आपको कैसी लग रही है सर? अभी ऐसा ही लग रहा है कि थोड़ी देर में चक्कर आ रहे थे जी, नॉर्मल नहीं लग रहा है। नॉर्मल नहीं लग रहा है, उसके बावजूद डॉक्टर आपको जबरदस्ती डिस्चार्ज कर रहे हैं जी। अच्छा, आप की क्या मांग है पुलिस से? सर यही है कि मैं एक सीधी साधी नौकरी करता हूँ कुरियर जी। सर मेरे साथ जब ऐसा हो सकता था, आम पब्लिक के साथ में कैसा हो सकता? सर बात में कोई बात नहीं थी, मैं उनको यही बोलना चाह रहा था कि भाई जिसने आपकी की है तो उन्होंने इतना बड़ा मुसाद किया है जी, जबकि मेरा उनका कोई पहचान नहीं है, कोई जान नहीं। सर वो अभी अभी चार दिन से वहाँ रहने आए, मैं चार साल से वहीं जी। कैमरामैन अशफाक कुरैशी के साथ परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज़ सूरत।